जी मीडिया के अखबार डीएनए ने बड़ा खुलासा किया है जिसके मुताबिक एयरसेल और मैक्सिस डील में कुछ अनियमितता बरत कर आई है, जिसमें पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं और उन्होंने एफआईपीवी की जो राशि थी उसके मुताबिक उससे कहीं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एक विदेशी कंपनी को टेलीकॉम सेक्टर में देने की अनुमति दी थी। इसी पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुब्रमण्य स्वामी, जो इस मामले में पेटिशनर भी हैं। डॉक्टर सुब्रमण्य स्वामी, डीएनए अखबार जो मीडिया का अखबार है उसने अभी बड़ा खुलासा किया है जिसमें जिसके मुताबिक जो पूर्व वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम, उन्होंने एफआईपीवी के नियमों का उल्लंघन किया है। ये मामला मेरे पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ये सीएजी का जांच हुई है और एनफोर्समेंट डायरेक्टर की भी जांच चल रही है और सीबीआई ने एक स्टेटस रिपोर्ट दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि हमने चिदंबरम का पूछताछ